उसमें अगर करंट आ जाएगा तो आपको वो प्रॉब्लम होगी और आपसे ज़्यादा हमको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो आइए, हमारे बीच में गणेश जी हैं और गणेश जी यहाँ पर आज अपने प्यारे से बीकी के अंदाज में आप कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे बड़ा ही शानदार करेंगे और आज हम सभी लोग उनसे मिल रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। पहले तो मैं आप लोगों को रजनीकांत का स्टाइल दिखाता हूँ। रजनीकांत भैया एक बार करते हैं, मैं कई तरीकों से दिखाता हूँ। गायक यादव गणेश, बागी बलिया, रामनगर, उत्तर प्रदेश, फिलहाल मुरली नगर, मोहनलालगंज, लखनऊ इस जमी से आया हूँ। यही पास में ही पीजीआई के आगे मैंने अपना छोटा सा गरीब खाना बनवाया है। कभी आप लोग तशरीफ लाएं। और मैं चाहता हूँ कि सलमान खान हो, अजय देवगन हो या बड़े बड़े स्टार हो, हमारे समाज में घूमते हैं लेकिन उनको उचित मुकाम नहीं मिल पाता। तो मैं कुछ डांसर ग्रुप भी मुझसे जुड़ चुके हैं। मैं किशोर कुमार, मुकेश, मनोज तिवारी, महेंद्र कपूर, रविंद्र जैन, मन्ना डे, यशुदास, एस पी बाल सुब्रमण्यम, कुमार सानू, अन्नू मलिक, सोनू निगम, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद शब्बीर की हूबहू आवाज़ में गाता हूँ। हर हीरो की हूबहू आवाज़ निकालता हूँ। यदि माननीय, आदरणीय, पूजनीय और शायद किसी भी ऐसे काल में इस धरा पर अटल जैसे अटल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो अभी फिलहाल उनका शारीरिक शरीर रूप नहीं है मगर आत्मा रूप में कभी कभी मरते नहीं, कलाकार कभी मरते नहीं। किसी ने कहा है कि आप सुबह उठे तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के साथ नाश्ता कर सकते हैं, लंच भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ कर सकते हैं, डिनर भी आप तुलसीदास के साथ कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो उनकी रचनाएं आप लोगों के बीच में उपलब्ध है। उनकी रचनाएं पढ़ें, उनके साथ रूबरू हों, उन्होंने क्या विचार लिखा। क्योंकि मैं कहता हूं अपने छोटी सी कविता से कि छोटी सोच लेकर कोई बड़ा नहीं होता, छोटी सोच लेकर कोई बड़ा नहीं होता। टूटे पैर से कोई खड़ा होता है मगर टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कहते हैं कि भगवान की मूरत भी यदि टूट जाए तो मन के अंदर अर्थात मंदिर में नहीं रखते, और आपकी रोनी सूरत हो तो कोई मन के अंदर अर्थात मंदिर में नहीं रखेगा। बहुत सही, बहुत सही है। नहीं, न जीव में हिंदू न क्रिश्चियन, ये मेरी कविता है। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, इस धरा ने फिर से जन्म देगी कि नहीं, हम सब मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगला जन्म भी यदि इनका हो तो भारत में ही हो। भारत के एक ऐसे विद्वान जो किसी पार्टी और राजनीति दल के नहीं थे, एक कवि श्रेष्ठ थे और मैं एक अदना सा कवि, उन कवि श्रेष्ठ के बारे में क्या कहूँ। मेरे शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं हैं जो उनके व्यक्तित्व की व्याख्या कर सके, मगर मैं कहना चाहूँगा एक अब कविता से कि न जीऊँ मैं हिंदू न क्रिश्चन न मुसलमान बनकर, न जीऊँ मैं हिंदू न क्रिश्चन न मुसलमान बनकर, बस मर जाऊँ कुछ लोगों के चेहरे का मुस्कान बनकर। क्या बात है। मैं फौजी हूँ, जल सेना से रिटायर्ड इसी साल लिया। मैं फौजी हूँ, मरना चाहता हूँ अपने आप में हिंदुस्तान बनकर। ये गीत, ये भजन, ये हरी गीतिका, ये रुबाई, ये भजल, ये कव्वाली, ये मुशायरा, ये शायरी, ये द्वंद, ये छंद, ये अनुप्रास अलंकार, ये यमक अलंकार नहीं, बल्कि मैं मरना चाहता हूँ अपने आप में गीता और कुरान बनकर। मैं मरना चाहता हूँ कुछ लोगों के चेहरे का मुस्कान बनकर। 3 लाख कमाऊंगा क्या लेकर जाऊंगा, जैसा कि हमारे कवि श्रेष्ठ वाजपेयी जी भी ने भी एक कविता में एक लाइन कहा था, उनके थोड़े लाइन को हम बदलते हुए लिखे हैं कि 3 लाख कमाऊंगा क्या लेकर जाऊंगा, मगर मेरे पीछे जब 3 लाख लोग रोते हुए जाएंगे तो मैं हंसता हुआ जाऊंगा। कुछ करके मर रहा हूं। न मुस्लिम ने अल्लाह देखा, न हिंदू ने राम। कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। न मुस्लिम ने अल्लाह देखा, न हिंदू ने राम, पर आप लोगों ने 2 लोगों को देखा है, एक भारतीय किसान, एक भारतीय जवान। और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये हमारे कवि श्रेष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी संस्कृति में आप लोग जी रहे हैं अभी फिलहाल, बाद में आप भूल जाएं भले ही, मगर उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा इस धरा पर। तो कहते हैं कि 3 लाख कमाऊंगा क्या लेकर जाऊंगा,
जब 3 लाख लोग मेरे पीछे रोते हुए जाएंगे तो मैं हंसता हुआ जाऊंगा। न मुस्लिम ने अल्लाह देखा, न हिंदू ने राम, पर आप लोगों ने देखा है एक भारतीय जवान, एक भारतीय किसान, एक जवान जो गरीबी में, तंगी में, मुफलिसी में जहर खाकर मर जाता है मगर हम सबका पेट भर जाता है, और एक भारतीय जवान जो खाता है सीने पर गोली और आप सबको कहता है हैप्पी जीसस क्राइस्ट, हैप्पी ईद मिलाद, हैप्पी बैसाखी और हैप्पी होली। नहीं तो यदि किसी मुस्लिम को जय श्री राम नहीं कहना, यदि किसी हिंदू को जय अल्लाह नहीं कहना, तो मिलकर सब लोगों को कहना चाहिए जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। नहीं, मेरी कविताएं हैं, अटल जी की कविताएं एक दो रखता हूं आप लोगों के सामने। उन्होंने कहा था एक जगह कि मैं जी भर जिया, है ना, ऐसे कविता है ना, मैं जी भर जिया रंजू दुख को पिया। और एक उनका कविता जो यहीं पर टंगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यह लग रहा है कि लखनऊ महोत्सव नहीं, यह अटल महोत्सव है, और कवि श्रेष्ठ को सम्मान दिया जा रहा है कि हर जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई हैं और वो आज भी हमारे बीच में और हमेशा सदैव हौसला अफजाई करेंगे। माँ बाप तो सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल टीचर, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसने वर्ल्ड को प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व किया हो, बीजेपी में भले ही रहे हो लेकिन कांग्रेस के राजीव गांधी भी उनको न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद की तरह उन्हें भेजा गया था और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा था, जबकि वो इस पार्टी के ना होते हुए भी एक मुखर प्रवक्ता रहे, एक मुखर कवि रहे, एक राष्ट्रीय कवि रहे, राष्ट्र दृष्टा रहे, एक युग प्रवर्तक रहे, और परिवर्तन की नई धारा उन्होंने लाया। राजनीति जैसे कहते हैं कि गंदगी है, और राजनीति में भी वो स्वच्छ कमल की तरह खिले। माना कि अटल बिहारी वाजपेयी राजकुमार जी हैं तो कैसे कहते, नदी की भाषी नगरों की बौछासी, अटल बिहारी वाजपेयी डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नहीं, और ये नाना पाटेकर जी होते तो आप सबको क्या मैसेज देते, अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है ना, गली बस्ती में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगी, मगर ना मंदिर बनेगी ना मस्जिद बनेगी। अरे भारत बनाना है, बस भारत बनाना है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो बहुत कुछ है। नहीं नहीं, इधर मत मारना पकिया, इधर मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, छोटा मगज होता है, इधर मत मार, इधर मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। और मिठुन दा जैसे बोलते कैसे बोलते, बिल्ली के नाखून बढ़ जाने से बिल्ली कभी से नहीं हुआ करती है नी। यदि धर्मेंद्र जी बोलते तो कैसे बोलते, गाना ले अटल जी के, गाना ले मेरा तो इस धन से नहीं, धन तो घोड़ी है, इस बसंती से टाका बिना गाना ले, मगर ये बुढ़िया खुशक मौसी बीच में भाजी मार देती है। नहीं, मगर इतना याद रखना गांव वाले, जब मैं मरूंगा तो पुलिस इज कमिंग, बुढ़िया जल गई एंड इन जेल, बुढ़िया चक्की पीसी एंड टोसिंग एंड हिसिंग। और क्या लड़के जो सनी देओल बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, छीन लूंगा फाटूंगा। कातिया, ये मजदूर का हाथ है किसी मजदूर का नहीं, तुम्हारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यदि तुमने मेरे देश को मुर्दाबाद कहा तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, और तुम्हारे देश में आया हूं तो क्या हुआ, कल उखाड़ कर तुम्हारे पेट बिगाड़ दूंगा। नमस्कार।